हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले ए से 888-2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया सत्य भामा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोर्स ऑफर करती है वो यूजी, पीजी और पीएचडी के कोर्स ऑफर करती है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्जाम का जो मोड है ऑनलाइन है। एग्जाम के डेट्स की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024, लास्ट डेट है फोर्थ वीक ऑफ मार्च 2024। एडमिट कार्ड रिलीज होगा थर्ड वीक ऑफ जून 2024। एग्जाम डेट है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2024 फॉर फेज वन, सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2024 फॉर फेज टू। रिजल्ट अनाउंस होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024। काउंसलिंग स्टार्ट होगा सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2024। अभी हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की रिगार्डिंग में बात कर लेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। और वहाँ पे आपको सबसे पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स में जो वैलिड और वर्किंग होना चाहिए, नहीं तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करेक्शन विंडोज अवेलेबल नहीं है। डिटेल में जैसे एजुकेशन, पर्सनल, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको सारी चीज़ें करेक्टली फिलअप करनी है। आपको अपलोड करना रहेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर। उसके बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को देखने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। जैसे कि तुम ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में बैंक चलान से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का जो फीस है वो ₹500 फीस है, प्लस बैंक चार्जेस एडेड है फॉर एवरी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सत्यभामा यूनिवर्सिटी 2024 के लिए? उनके लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको होम पेज में एक रजिस्ट्रेशन की लिंक दिखेगी, वहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि आपको पर्सनल, एकेडमिक, कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेंगे, जैसे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और भी करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपकी उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रीचेक कर लेना सबमिट करने से पहले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। अभी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में बात करते हैं। फॉर बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए नॉर्मली आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए। आप कहीं HSC से करो या ICSE से करो, कोई भी बोर्ड से कर सकते हो। पर इसका जो सब्जेक्ट्स है मैंडेटरी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है। एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा तो ही आप एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए नेटा का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए। अगर आपको BE, BTEC और कुक के कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको 12th लेवल पास होना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड से कर सकते हो। एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे तो ही आप क्वालिफाई हो सकते हो एग्जाम में। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है क्वालिफाई एग्जाम के लिए। फॉर बी डिज़ाइन कोर्स के लिए नॉर्मली आपको क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा HSC और ICSE से। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। एटलीस्ट 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर SC ST PWD के कैटेगरीज के लिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फॉर MBA MSC MA के कोर्स के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको एक डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप कोई भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तो ही आप एडमिशन मिलता है। उनके भी एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इनका जो एग्जाम का मोड ऑनलाइन मोड होता है, टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके 3 सेक्शंस होते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ से 60 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 30, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके सिलेबस की बात करें, इनका जो सिलेबस है वो है 12th लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे पूछे जाते हैं वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री का सिलेबस है वो इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वेक्टर अल्जेब्रा, मैथमेटिकल इंडक्शन, सिक्वेंस रिच, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग आपको अभी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।